Sony Live. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन. श्रीनिवास की वजह से कोई कामवाली नहीं टिकती यहाँ पे. खुद तो ऑफिस में कुर्सियां तोड़ रहा है और मैं यहाँ पे कामवाली बनके काम कर रही हूँ. अच्छा वो काम वाली पूजा पे भी डोरे डाले होंगे ना तुमने, तभी शायद वो काम छोड़ के चली गई अचानक से. ज्योति तुम हद से ज्यादा बोल रही हो. हद क्या होती है मैं बताती हूँ तुम्हें. तुम पहले घर आओ फिर बताती हूँ. घर तो मैं आऊंगा ही, और अब जो कुछ भी होगा ना फुल एंड फाइनल होगा. फुल एंड फाइनल तो मैं करूंगी तुम्हारा. तुम पहले घर. सर मेरी बीवी का किसने मर्डर कर दिया सर. सर ये पीठ पे जला हुआ है सर, हो सकता है इस आयन से जलाया हो. बॉडी को पूरी तरह से जगह जगह से नोच दिया है. ब्रूटली रेप किया गया होगा इसका. उसके बाद ये गला रेत कर मार दिया. और लूट भी हुई है सर. अगर अच्छे से सर्च करो हो सकता है मर्डर वेपन यही मिल जाए. सर जब ये सब हुआ ज्योति घर में अकेली थी सर. मैं ऑफिस में था. मुझे नेबर्स ने फोन करके बताया कि सब कुछ. मैंने कॉल करके बुलाया था इनको. मैं ज्योति से मिलने आई थी, देखा तो घर का दरवाजा खुला हुआ था. आपने किसी को घर में आते जाते देखा? नहीं. या मोहल्ले में कोई ऐसा इंसान जो सस्पिशियस लगे? सर जब मैं आया था तो इलेक्ट्रिसिटी का मेन स्विच ऑफ था सर. मैंने ही आकर ऑन किया था. घर में घुसने से पहले ये मेन स्विच ऑफ किया गया होगा. लेकिन सर घर में सभी जगह तलाशी की, कहीं भी कोई फोर्स एंट्री के निशान नहीं है. लगता है ये मेन स्विच पर्पसली ऑफ किया गया ताकि ज्योति चेक करने के लिए बाहर निकले और किलर को घर में घुसने का मौका मिले. या फिर उसने ये पावर ऑफ किया और दरवाजे पे नॉक किया. ज्योति ने दरवाजा खोला, शायद ज्योति किलर को जानती थी. सर जिस तरह ज्योति का रेप और मर्डर किया गया देखकर तो लगता है कि दो से ज्यादा लोग होंगे. सर काम प्रोफेशनल लोगों का लगता है. लेकिन जितनी बेरहमी से ज्योति को मारा है मोटिव सिर्फ लूट का नहीं लगता, किसी ने उससे दुश्मनी निकाली. नहीं सर ज्योति का तो किसी के साथ कोई इशू नहीं था. हो सकता है किसी की दुश्मनी आपसे हो और निकाली आपकी बीवी से. नहीं पता नहीं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है. इस घर में आपके और आपकी बीवी के अलावा कोई और भी रहता है क्या? नहीं सर हम दोनों ही रहते हैं बस. सर मैंने चेक किया, आसपास कहीं पे भी सीसीटीवी नहीं है और मर्डर वेपन भी नहीं मिला सर. लेकिन यहाँ पे इतना सब कुछ हो गया तो किसी ने कुछ तो देखा सुना होगा. जरा आसपास अच्छे से फिर से पूछताछ करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो. सर हाँ कुमार. सर जो जगह वरदराज ने बताई थी वहां पे कोई नहीं मिला.
लगता है भाग गए सर। तूने जो जगह बताई वहां वो लोग नहीं है, कहां है वो? वो तो नहीं पता, लेकिन अब तुम लोग ढूंढ भी नहीं पाओगे, नहीं ढूंढ पाओगे। काफी कोशिशों के बाद भी पुलिस वरदराजन से ऐसी कोई जानकारी नहीं जुटा पाई थी जो उन्हें येदुपलाया गैंग के मौजूदा ठिकाने तक ले जा सके। वरदराजन की गिरफ्तारी के काफी वक्त तक येदुपलाया गैंग ने किसी भी वारदात को अंजाम नहीं दिया, लेकिन अब ये गैंग एक नई योजना तैयार कर चुका था। सर, यदुपुलम गैंग ने एक और घर को टारगेट किया है। कौन से एरिया में? सर, उसी लेडी के घर के पास जहां पूजा को देखा गया था। बताइए क्या हुआ? सर, थोड़ी देर पहले मैं घर में काम कर रहा था और तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? अन्ना, थोड़ा शक्कर चाहिए। एक सेकंड ना। पता है कि उन लोगों ने आपके घर को टारगेट क्यों किया? आपके घर में कोई बाई वगैरह काम करती है जो उस गैंग की मेंबर हो? नहीं सर, लेकिन सर जो बच्ची साथ में आई ना, वो सामने वाला घर में काम करती थी। सर, उस बच्ची को हमने काम पे रखा था, लेकिन हमें ये अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ मिली हुई थी। इस तरह बिना पुलिस वेरिफिकेशन के आपने उसको काम पे कैसे रख लिया? सर, एक्चुअली मंजरी की प्रेगनेंसी की वजह से हमें एक ऐसी मेड की जरूरत थी जो आय का काम भी कर सके। वो बच्ची तो हमें मंदिर में मिल गई थी सर। हमसे कहने लगी कि मेरी माँ मर चुकी है और मेरे घर वाले मेरे साथ गलत हरकत करते हैं। मंजरी को उस पर तरस आ गया और हम लोग उसे यहाँ घर पे ले आए। अच्छा, उस बच्ची ने कभी अपने बारे में, अपनी गैंग के बारे में कभी कुछ बताया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला उसने, लेकिन आज अचानक आके बोली, नेम साहब, जब आपका बच्चा हो ना, तब आप चिन्ना पुंजी जाना। सर, शायद वो जानती थी कि आज के बाद वो हमारे साथ नहीं रहेगी। मुझे लगता है शायद उसे मेरे साथ लगाव हो गया था। सर, अगर वो चाहती तो वो गुंडे हमारे यहाँ आते, वो हमारे पीछे वाले घर में नहीं जाते। अच्छा, उस जगह का नाम क्या था जहाँ स्वाति ने आपको अपने बच्चे ले जाने के लिए कहा था? चिन्ना पुंजी। चिन्ना पुंजी? हाँ सर। सर, हो सकता है कि येदुपुलम गैंग चिन्ना पुंजी में ही हो। येदुपुलम को धोखा दिया तूने? हाँ, अरे वेंकटेश की बेटी ना तू, तेरे में इतनी दया कहाँ से आई? उस औरत को बचाने के लिए हमसे झूठ बोली तू, हमसे? ये बोली कि वहाँ पर बहुत सारा पैसा है, लेकिन ये नहीं बोली कि उधर इतना मर्द है। अम्मा, नेम साहब को मत मारो। क्या बोली? अम्मा, मैं बोल रही थी कि नेम साहब को मत मारो, क्योंकि उनसे ज्यादा पैसा तो उनके पड़ोसी के पास है। अरे श्रीलता तो कायर थी, लेकिन तूने, तूने तो हमको धोखा दिया, हमको। अब्बा, मेरा मन ने जो बोला मैंने वही किया। श्रीलता दीदी सही बोलती थी कि ये सब अच्छा नहीं है। मुझे उनकी मौत का सुनकर उनकी हर बात याद आने लगी और मेम साहब का खून बहते हुए मैं ना कुछ देख सकती थी। अब्बा, रोके की एक ही सजा है। रुक, रुक वेंकटेश, इसकी सजा मौत ना हो, इसको मौत से भी बुरी सजा मिलेगा। चल मेरे साथ। रुक जाओ, मैं गाड़ी चला दूंगा, रुक जाओ। लूट, हत्या और रेप जैसी अमानवीय घटनाओं को अंजाम देने वाले येदुपलाया गैंग के सरगना वेंकटेश और उसकी बीवी पूजा समेत गिरोह के कई अपराधियों को पकड़ा जा चुका है। कहते हैं जिस तरह कीचड़ में कमल खिल सकता है, उसी तरह बुरी से बुरी संगत में होने के बावजूद कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है
जो इंसानी बुराइयों से नहीं बल्कि दया और प्रेम जैसी मानवीय भावनाओं से प्रेरित होता है। और ये दोनों इंसान के वो सहज गुण हैं जो बचपन से ही उसके अंदर होते हैं। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।